औरतें जो नाक में नत्थे पहनने के लिए एक छेद लगा दें उसे, तो उसमें कल के तरह जैसे मैंने एक मसले पर सवाल किया था कि सरनेम बदलने का, तो सेम ऐसा ही डिफ्रेंसिएशन मिलता है शेख उलमा के द्वारा, उलमा के बीच में। अरब के उलमा इसको बेइंतहा नापसंदीदा गुजर बोलते हैं शेख, लेकिन हिंदुस्तान के उलमा इसको कल्चरल चीज के नाम पे अलाउ करते हैं। तो इस पर भी आपकी वजाहत मिल जाती तो हमको भी। देखिए, नाक में सुराख करना औरतों का, नाक के अंदर कोई जेवर पहनने के लिए, या कान में सुराख करना, ये जो आपने कहा कि अरब के उलमा इसको नापसंद करते हैं, ये बात मुतलक तौर से सही नहीं है। इस मसले के अंदर कदीम जमाने से इख्तिलाफ पाया जाता है। आपको बाज उलमा के अकवाल ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इसे नापसंद किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अरब के सारे उलमा इसको नापसंद करते हैं। अरब के बेशतर उलमा, मुहक्किकीन उलमा, जो मुतबर अदिल्ला की रोशनी में जो उनकी राय है वो ये है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, और ये सहाबियात से भी साबित है। साहब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने शायद वो हदीस सुनी भी होगी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार औरतों को नसीहत किया कि तुम लोग सदका करो, ईद की मुनासबत से सदका करो, क्योंकि मैंने औरतों को कसरत के साथ जहन्नम में देखा है, सदका करो कसरत के साथ। तो बिल्कुल औरतों ने सही। पूछा कि जहन्नम में औरतें ज्यादा क्यों होंगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई, कहीं तुम लोग लानत कहा कि तुम लोग लानत बहुत भेजती हो और शौहरों की नाशुक्री बहुत ज्यादा करती हो, इसलिए जहन्नम में ज्यादा होगी, और कसरत के साथ सदका करो ताकि तुम्हारा ये जो गुनाह है ये माफ हो सके। तो उस हदीस के अंदर है कि औरतों ने अपनी बालियां उतार उतार करके सदका कर दिया। तो बालियां कहां पहनती थी? जाहिर है बालियां कान में पहनती थी। जी तो बालियों के पहनने का रिवाज उसी जमाने से था। इसके अलावा और भी ऐसे वाकयात और आसार मिलते हैं जिनमें सहाबा के जमाने से, असलाफ के जमाने से औरतों के अंदर बालियों के पहनने का रिवाज था। लिहाजा अदिल्ला की रोशनी में इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि ये एक मुस्तहसन चीज है, औरत को करना चाहिए। और अगर इस नीयत से कर रही है कि मैं अपने शौहर के लिए जेबो जीनत इख्तियार करूं ऐसा करके, तो इंशाअल्लाह उसको इस पर अजर भी मिलेगा। बाकी ये मसला कि बाज उलमा का इख्तलाफ है, तो इख्तलाफ तो बेशतर मसाइल में आपको मिल जाएगा। उलमा ने इज्तिहाद किया है, अपनी हवाए नफ्स पर उन्होंने फतवा नहीं दिया है, इज्तिहाद किया है, और उलमा मासूम नहीं होते हैं, उनसे गलतियां भी होती हैं। हमारा और आपका काम है कि हम उन मसाइल में देखें कि दलील की रोशनी में किसकी बात ज्यादा सही है, किताब और सुन्नत के मुताबिक है, हम उस पर अमल करें। बाकी इख्तलाफ को तो आपको बेशतर मसाइल में मिल जाएगा। और आप ये भी मत समझिए कि अरब के उलमा इसको नापसंद करते हैं। मैं मौजूदा दौर की बात कर रहा हूं, हो सकता है चंद एक हो, मुझे नहीं मालूम, अल्लाह आलम, लेकिन जो मुहक्किकीन उलमा है सबकी यही राय है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है।